नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडीडेटा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित तीन अपडेट है, एक नए नोटिस को लेकर के, एक रिक्त पदों की जानकारी को लेकर के और एक पेपर लीक को लेकर के। तीनों की बात एक एक करके करें। सबसे पहले बात करते हैं नए नोटिस को लेकर के। एक नया नोटिस कल जारी हुआ कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी की तरफ से 20 अप्रैल 2024 की डेट देख पाएंगे, जिसमें प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, सभी चिन्हित मध्य विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है मधुबनी जिले के, उनको संबोधित करते हुए ये लेटर जो है वो लिखा गया है। विषय क्या है? टीआरई 2 मेन और टीआरई 1 सप्लीमेंट्री। इसके तहत जो नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं उनके कार्यरत रहने के संदर्भ में उपयुक्त विषय विभागीय पोर्टल पर टीआरई 2 मेन और टीआरई 1 सप्लीमेंट्री के तहत नियुक्त जो विद्यालय अध्यापक है उनका थंब इम्प्रेशन से संबंधित आंकड़ों में काफी अंतर रहने के कारण जिलों में कार्यरत विद्यालय अध्यापकों के कार्यरत रहने के संदर्भ में सत्यापन कराया जाना आवश्यक हो गया है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 21 अप्रैल 2024 को पूर्वाह्न 10:30 बजे वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी में उपस्थित होकर के अपने विद्यालय प्रखंड में कार्यरत शिक्षकों का सत्यापन करना सुनिश्चित करें। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के जिन विद्यालयों में टीआरई 2 मेन्स और टीआरई 1 सप्लीमेंट्री के तहत विद्यालय अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनके प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर आंकड़ों का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रारंभिक विद्यालय की स्थिति में चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपने प्रखंडाधीन ऐसे सभी विद्यालयों का आंकड़ा के साथ यहां पर आएंगे जो कि इनके तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की गई। तो कुल मिलाकर के एक वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका जो है वो आज होगा। अगली अपडेट देखते हैं पेपर लीक को लेकर के। तो प्रश्न पत्र लीक के 5 मुख्य आरोपी उज्जैन से गिरफ्तार किए गए हैं। ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है और पटना सी न्यूज है जिसमें बताया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की जो परीक्षा है उसके पेपर लीक मामले में 5 मुख्य आरोपियों को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक लड़की और 4 लड़के हैं। ईओयू वहां की जो विशेष टीम है उसने गिरफ्तार किया है। शनिवार की सुबह सभी को उज्जैन स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया है जहां ये लोग फर्जी नाम पता पर जो है वो रह रहे थे। इन 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद वहां की स्थानीय अदालत में पेश किया गया और इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर सभी को पटना जो है वो लाया जा रहा है। इनके रविवार की दोपहर तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है और 22 अप्रैल को इनको पटना कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा कारणों से जांच एजेंसी ने इनकी पहचान को लेकर कोई उजागर नहीं किया है। पहुंचने के बाद इनके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो दी जाएगी। पेपर कैसे लीक हुआ, खुल सकता है राज, इसमें ये बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में प्रश्न पत्र कहाँ से और कैसे किसकी मदद से लीक हुआ है इसकी पूरी जानकारी यहाँ से जो है वो देखने को मिल सकती है। ये भी बताया जा रहा है कि पेपर जो लीक हुआ था उसके बाद ये 5 अभियुक्त महाकाल के दर्शन करके उज्जैन भाग गए थे, वहां अपनी पहचान बदल कर रहने लगे थे, लेकिन जांच में सुराग मिलने पर ईओयू की टीम ने वहां पहुंचकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम जो है वो दिया। बाकी जो ईओयू है उनके द्वारा ये कहा गया कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके वही बातें लिखी गई जो ऊपर बताए। हजारीबाग में पकड़े गए थे 270 अभ्यर्थी, वो तो आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अगली लास्ट अपडेट है रिक्त पदों की जानकारी नहीं देने वाले प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई को लेकर के आदेश दिया गया। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने जिला के सभी प्रधानाध्यापक जो है उनसे उनके यहाँ शिक्षकों की रिक्त पदों की जानकारी जो है वो मांगी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने पत्र के माध्यम से कहा है कि 6 अप्रैल तक सभी प्रधानाध्यापक जो है उनको शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी जो है वो देनी है, लेकिन प्रधानाध्यापक द्वारा रिक्त पदों की जानकारी नहीं दी गई है। डीओयूए ने निर्देश दिया है कि जल्द शिक्षकों की रिक्त पदों की जानकारी दी जाए ताकि जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक है उनको आवंटित जिले में पदस्थापित किया जा सके। तो रिक्त पदों की जानकारी नहीं देने वाले प्रधानाध्यापकों की पहचान करके उन पर अनुशासनिक कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। तो जल्द से जल्द रिक्त पदों को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। एक्चुअल में जो डेट थी वो 6 अप्रैल थी और आज 21 अप्रैल हो गई, अभी तक जानकारी जो है वो नहीं दी गई। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।